नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, बहुत बहुत बधाइयाँ गणेश चतुर्थी की। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा भी ट्रायल अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम मैं फेसबुक लाइव पर आया हूँ। और थैंक्स टू ऑल यम प्लेट्स विद द फूडीज, मनीषा जी, इला मैम और जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोग्राम के, जिन्होंने हमें यह अपॉर्चुनिटी दी ये सब प्रोग्राम आगे परस्यू करने के लिए। आज मैं आपको दो तरीके के मोदक बनाना सिखा रहा हूँ, जिनमें से एक तो ओडिशिक मोदक है जो महाराष्ट्र में जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं, दूसरा टूटी फूटी। इसका कोई भी रेसिपी हो सकता है, फ्यूज़न ट्रेडिशनल, बट ये मेरा अपना रेसिपी है वो जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेकिंग फिलिंग्स ऑफ द फर्स्ट टूटी फूटी मोदक। मैं थोड़ा सा घी लेता हूँ हल्का सा, क्योंकि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते। इसको हीट करने के बाद मैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी कम है, मैं 4 से 5 मोदक बनाऊंगा, तो मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर रहा हूँ। मैंने ये हाफ कप लिया है, बट आई एम नॉट यूजिंग ऑल, थोड़ा सा ही लूँगा मैं। सूजी लिए मैंने थोड़ी सी, और इसको हल्का सा मैं मीडियम हीट पे कुक करूँगा। इसको कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा कुकी करना है, जैसे इसमें कच्चापन ना रहे सूजी में। कलर चेंज करेंगे तो आपके मोदक का कलर भी चेंज हो जाएगा। दो मिनट और, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ये लाइव आ रहा हूँ, कभी मैंने लाइव वीडियो शेयर नहीं किया है। रेसिपीज़ तो हमने बहुत बनाई हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, केटरिंग कंपनीज में। मनीषा मैम ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था एक कंपनी में, तो थोड़ा सा उनके साथ भी काम किया, फिर उन्होंने मौका दिया लाइव आने का। देखिए अभी इसमें से स्मोक आ गई हल्की सी, तो मैं इसको बंद हल्का सा सिम कर देता हूँ, और इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। हल्का हमारा जो ड्राई कोकोनट जैसे कि कहते हैं उसको, और इसको हल्का सा फिर कुक करके, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे ताकि सूजी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए और एक डो टाइप बन जाए। थोड़ा सा और दूँ क्योंकि इसमें लम्स से आ गए हैं हल्के से। अमूल भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें कंसिस्टेंसी मिलती है खाना बनाने पे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। अमूल, हम अमूल बटर और क्रीम ज़्यादा यूज़ करते हैं, घी भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हल्का ड्राइनेस हो गया इसमें, इसी सिचुएशन पे थोड़ा सा मैं मिल्क पाउडर ऐड करता हूँ, 2 चम्मच 2 या 3 चम्मच, जैसा आपको लगता है, जैसा क्रीमी खाते वक्त हल्का मिल्की सा फील होए उसके लिए।
और थोड़ा सा इलायची पाउडर एंड खोया। खोया से थोड़ा बाइंड आता है, नेचुरली बाइंड आ जाता है। ये करीब 4 टीस्पून खोया हो। अब इसको मैं थोड़ा सा और कुक कर लूँगा। अगर आपको टाइट लग रहा है हल्का सा तो मिल्क ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रेसिपीज तो नहीं है कि कंपल्शन हो किसी चीज़ का। आई एम मेकिंग टूटी फ्रूटी मोदक फर्स्ट, देन उसके बाद ओडीजे बनाएंगे। टूटी फ्रूटी का ये मिक्सचर बना रहा हूँ मैं। हिला मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैंने पहले भी बताया था कि मैं 2 मोदक बनाऊंगा, पहले टूटी फूटी एंड उसके बाद ओडीचे। इसमें हल्की से शुगर ऐड कर देता हूँ, लोग आजकल ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, शुगर नहीं खाते, तो मैं भी कम ही डालूँगा। अब देखिए एक सारसा हो गया सर, एवरीथिंग इज इक्वल एंड रेडी टू बाइंड। मतलब ये इतना इजी हो गया है कि आप इससे किसी भी मोदक मोल्ड या चाहे हैंड क्राफ्टेड मोदक बनाएं या थ्रू दी मोल्ड, तो इतना इजी हो गया। अब इसको थोड़ा टाइम लगता है वो होने में, ठंडा होने में, तो मैंने ऑलरेडी 2 बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ इस प्लेट में ताकि ठंडा हो सके, और जो हमने रेडी बना रखा ऑलरेडी 2। ये इस तरीके का हो, अभी भी इसमें हल्की सी हीट है बट चल जाएगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। अब इसमें इस सिचुएशन में ठंडा होने के बाद हम इसमें कुछ टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट हमारी जो रेसिपी है वो टूटी फ्रूटी के लिए। मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मोदक फ्राइड भी होते हैं, स्टीम भी होते हैं, बेक भी हो सकते हैं, एयर फ्राइड भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दी टेक्सचर्स, आप क्या बना रहे हैं। ये चीज़ बड़ा ही फील, मैंने कभी मोदक तो इतना ज़्यादा ओपनली बनाए नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक घर का एक अपना रेसिपीज होती है, तो वो अपने हिसाब से ही मोदक बनाते हैं। देखिए काफ़ी कलरफुल टूटी फ्रूटी इसमें मिक्स हो गई। अब मैं इसको थोड़ा साइड में रखूँगा ताकि जब हम मोदक की प्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों मोदक एक साथ शो करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डो। उड़ीचित मोदक के जो डो बनते हैं राइस फ्लावर से, वो हम बनाने जा रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी लूँगा, अराउंड 1 कप, अराउंड 1 कप मैंने पानी लिया है, और गैस को दोबारा से हीट बढ़ा दिया।
इसमें जैसे ही बॉयल आएगा, क्योंकि हमें पाइपिंग हॉट चाहिए होता है, मैं इसमें बॉयल आने से पहले थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा डोमे जो राइस की थोड़ी वैसी स्मेल और फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इलायची पाउडर मैंने ऐड किए, शुगर एंड सम सॉल्ट। ताकि सॉल्ट डालने से क्या होता है कि कोई भी आप मीठा डिज़र्ट बना रहे हैं या मिठाई बना रहे हैं उसमें डालने से एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। 1 टीस्पून अमूल घी, 1 टीस्पून एकदम पाइपिंग हॉट करना है ताकि जो राइस फ्लावर का जो ग्लूटेन होता है वो गर्मी से ही फूटेगा। और मेरे पास अराउंड 1 कप राइस फ्लावर है, यहाँ पे मैं 1/2 कप लूँगा। हीट मैंने बंद कर दे दी है। थोड़ा और लगेगा, अगर आपको लगता है आपका डो पतला है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो जो रेसिपीज़ होते हैं वो एक इन्वेंशन है, इट्स अ एक्सपेरिमेंट। अब ये 2 मैंने बना लिया है इस तरीके से, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिलीज़ कर देता हूँ, ठंडा होने के लिए। इसको ऐसे रख देंगे और इसको कुक होने देंगे अपने आप में, क्योंकि इसके अंदर अपनी हीट है और एक कैरी कुक होने जा रहा हो जाएगा। मैं इसको कवर कर देता हूँ ताकि अंदर ही इसकी स्टीम बनी रहे। दोबारा से पैन धो लिया, अब मैं इसकी फिलिंग्स बनाऊंगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़रा सा घी, हमारे पास कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, कैशू नट, आलमंड एंड रेजिन्स, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट। इसको हल्का सा मैं रोस्ट करूँगा इसी लिए। कुछ ये नट्स और हैं ये भी डाल देता हूँ ताकि क्रंच आ जाए। अच्छा, मैंने इस नट्स का नाम नहीं बताया है, इसका नाम चिरौंजी है, चिरौंजी। और जब ये हल्के से कुक हो जाएं तो मैं इसमें कोकोनट पाउडर जो मार्केट में मिलता है, और ये हाथ से ग्रेट करा हुआ कोकोनट, इसको हल्का सा कुक करूँगा। थोड़ा सा हीट बढ़ा देता हूँ ताकि विल्ट हो जाए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें। कोकोनट जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने बनाया है आपको, मार्केट वाला तो काफ़ी बारीक होता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउन। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा जैगरी पाउडर यूज़ करेंगे, ये अराउंड 4 टीस्पून। कौन सी राइस फ्लावर आप यूज़ किया, आपने यूज़ किया? राइस फ्लावर आप कोई भी ले सकते हैं, बट उसको आपने ना ज़्यादा बारीक करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि मतलब आपका जो
दो लगे वो स्मूथ लगे, एकदम स्मूथ हो जाए तो वो आप ट्राई कीजिए। दो स्मूथ होना चाहिए। मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, लोग खोया भी डालते हैं बट मैंने मिल्क पाउडर भी है। हल्का सा राइस फ्लावर और डालूंगा मैं इसमें ताकि एक बाइंड सा आ जाए, जैसे हम फ्रेंच कुजीन में रू बनाते हैं वाइट एंड ब्राउन रू, और उसको कुक कर लेते हैं इसी के ऊपर। मैंने इसका भी एक मिक्सर रेडी कर रखा है ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एलैबोरेट करके बताऊं इन सब चीज़ों के बारे में। कोशिश ये है कि बैटर हो जाए। थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा नटमेग पाउडर अराउंड हाफ टी स्पून, मैं स्पून से ही डाल देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा है और थोड़ा मुश्किल है निकालना। इसी कंडीशन में मैं हल्का सा मिल्क ऐड करता हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। चाहे तो आप मिठाई में भी कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें ऑलरेडी अमूल ऑलरेडी इसमें मैंने राइस फ्लावर डाला है तो ये बाइंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा। क्योंकि खोया ये सारी चीज़ें बहुत हैवी होती हैं, हेल्थ के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी खा सकते हैं। देखो नाउ इट्स बिकम लाइक डो, ताकि आप एक बॉल क्रिएट करके और उसके अंदर भर सकें फीलिंग इसकी। मैं इसको साइड में रखता हूँ ठंडा होने के लिए, और जो हमने ऑलरेडी इसका एक मिक्सचर बनाया हुआ है तकरीबन सिमिलर है, ये इसका मिक्सचर हो गया। तो इसको दो बनाते हैं, इसको बनाते हैं नहीं इसको बनाते हैं कहाँ से। अच्छा, ये हमारा डो है राइस वाला। सबसे पहले हम स्टीमर को ऑन करेंगे क्योंकि टूटी फ्रूटी तो कुक्ड होगा नहीं, और स्टीमर में मैंने एक बनाना लीफ यूज़ किया है, बनाना लीफ आप भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये नीचे से चिपके ना। हल्का सा ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि ये डो है, सॉरी इसमें तो हाथ यूज होगा ही होगा, तो आपको जैसा लगता है उस साइज में आप इसको लेके बना सकते हैं। Can you just repeat in short making of dough? Can we replace milk powder? हाँ बिल्कुल ज़रूर, आप मिल्क पाउडर रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, कंपल्सन नहीं है। आप चाहें मिल्क पाउडर की जगह सूजी ऐड कर दें, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मतलब थिकनेस आए, या आप चाहें तो उसमें खोया डाल दें, जो आपको ठीक लगता है। मेकिंग ऑफ डो एक्सप्लेन कर दो, टाइम है तो। उसकी रेसिपी मैं शेयर कर सकता हूँ बट यहाँ मुझे लगता है टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि स्टीम में टाइम ज़्यादा लगता है। मेकिंग ऑफ डो क्या होता है कि आपको गर्म पानी में उबलते पानी में घी डालना है, नमक डालना है, शुगर डालना है, और उसके बाद आपको हल्का सा घी लगा के और थोड़ा सा पानी यूज करूँगा। अब कई लोग ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसका जो है मतलब
इसमें हल्का सा पानी लगा लीजिए, जैसे समोसे के उसमें लगाते हैं, और ये बहुत नाजुक होता है, इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे फोल्ड करके, मैंने फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ली क्योंकि आप भी ले सकते हैं। एक मतलब अच्छा साइज मिले एक पोर्शन वाइज, इसलिए मैंने इसकी फिलिंग ज़्यादा, आप इसको ऊपर से कट भी कर सकते हैं हल्का सा जी, थोड़ा सा शेप अप कीजिए इसे ऐसे। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्र के, एक एक करके रखते जाएंगे हम। आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ, मुझे लग रहा है टाइम हो गया है, तो मैं दो ही पीस लूँगा प्रेजेंटेशन के लिए। हल्का घी लगा के करिएगा ताकि ये चिपके ना, ये तो बहुत चिपक रहा है हाथ में। प्लीज टेक योर टाइम शेफ, नो वरीज। Actually, I am worried about time also because when we are going to work in hotels and other sectors, so वो तो मायने रखता ही है, time ज़रूरी होता है एक recipe में, time का होना बहुत ज़रूरी है, time नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। राइस का टेस्ट हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, अगर ऐसे कुछ इसमें प्रेफरेशन बनती है आप इसमें हल्का सा आप लगा सकते हैं। सो नाउ दिस इज डन, सेकंड पीस। टेल अस अबाउट योर जर्नी। गुड, आई एम गुड, बट इट्स माय फर्स्ट वीडियो। जर्नी इन द सेंस क्या क्या किया आपने? Actually, I started my career with the Gladys Hotel, New Delhi. This time, tell about Yum Plate with Foodies. Yum Plate with Foodies, it's good really. And अभी तो first ही है, but मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। अब जहाँ हमारे स्टीम हो रहे हैं उड़ीचक, तब तक हम अपने दूसरे वाले टूटी फूटी मोदक जो है उनके लिए मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया ऐसे बंद करके इसको। सॉरी, ये मोदक ऐसे ही है कि इसमें आपको हैंड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो वाली बात ही नहीं है, तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करें, साइड में थोड़ा सा अगर ये टूटी फ्रूटी डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मेनी मोर लाइव विद यू शेफ। श्योर श्योर श्योर, यस प्लीज शेयर योर जर्नी। एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज विद द चांदीवाला एंड started my career with the hotel Claridge's New Delhi. That time I was working with Mr. Ranveer Singh Brar, and
सिंस दैट टाइम टू दिस टाइम आई वर्क्स विद द वेरियस कैटरिंग्स कंपनी होटेल्स रेस्टोरेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. इसको दबाना है, देखिए काफ़ी प्रेस करके अच्छे से प्रेस करना ताकि जो आपकी जो शेप आ सके वो टूटी मोदक. एक बार और बोल दो. इसका नाम है टूटी फ्रूटी मोदक, मतलब इन द होम रेसिपीज. लुक एट दिस. मैं इसको भी यहीं रखूंगा. इला गुप्ता जी, शेफ तुलसी के हाथ की सुशी इज वेरी अमेजिंग. कैन एक्सप्लेन द फीलिंग इन क्विक बट फुल. सुष्मिता पाटी बोल रही है. एक्चुअली लास्ट ईयर हम थे गुजरात में. आई वॉज वर्क विद द फूड लिंक कंपनी. इट्स अ इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी इन कैटरिंग्स. सो थोड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ भी किया. गुजरात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. तो वहाँ पे शेप अप कर सकते हैं. अगेन आई एम यूजिंग 4 पीसेस बिकॉज टाइम. इसको भी हो गया टाइम 4-5 मिनट्स मोर. मेरे हिसाब से जो राइस में हल्का सा कच्चापन है वो भी पक जाए और ये भी रेडी हो जाए. तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये लाइव कैसे होता है. बट फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. यम प्लेट वालों को मैं एक बार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया वीडियो बनाने का. और हम भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो दें वो इतनी ईजियर हो और फैमिलियर हो कि लोग घर में भी ये सब बना सकें. ये भी ज़रूरी होना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग रेसिपीज़ अलग दिखाते हैं और होता कुछ है. बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया. यहाँ पे जो घर की इंग्रेडिएंट्स थी उन्हीं से ही हमने ये सब बनाया है. मैं ये भी तकरीबन हो ही गया है तो इसको भी मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ. ये सिम ही कर देता हूँ थोड़ा सा थोड़ा टाइम मिल सके. ये 4 पीस मैंने बनाए हैं फॉर माय प्लेटिंग. एंड होता क्या है ट्रेडिशनली जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सारी चीज़ें पूजा से रिलेटेड होती हैं. टुडे इज़ आई एम यूजिंग वन स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स विच इज़ नॉट यूजिंग स्टिल. अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया. आपने फर्स्ट टाइम वीडियो किया बट आपने बहुत अच्छा किया. प्राउड ऑफ यूर शेफ. हमारे टूटी फ्रूटी मोदक्स एंड इसकी प्लेटिंग मैं आपको बता देता हूँ. प्लीज़ कम दिस साइड. और ये तुलसी पत्र है जो भगवान को भोग लगाते वक्त चढ़ते हैं. मैं भी थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगा ही देता हूँ. तो मेरा नाम भी तुलसी है, ये भी तुलसी है. तो एक मंत्र भी हो जाए यहाँ पे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वे कार्यशु सर्वदा. हो सकता है हमारा वीडियो काफ़ी आगे जाए और हम काफ़ी फेमस हों. बट आशीर्वाद तो यही लेके चलना चाहिए आप लोगों के लिए भी. एंड नेक्स्ट आई विल शो यू. ओके मुझे टोंग नहीं मिल रहा बट आई एम मेकिंग दिस टोंग. दिस इज़ माय टोंग. आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं.
थोड़े से नट्स यूज़ करूँगा इसमें मैं शो करने के लिए हल्का सा। आई हैव दिस नट्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए इसकी फिलिंग्स मैंने हल्का सा प्रेफर किया इसको ताकि इसकी फिलिंग्स आपको नज़र आ सके। लुक एट दिस लेयर एंड फिलिंग्स एंड वन मोर थिंग विद सैफ्रन। इसकी गार्निश होनी ज़रूरी है। एंड अगेन तुलसी पत्र परमम पवित्रम सर्वम पवित्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइव ऑन द अमूल फेसबुक पेज एंड रियली थैंक्सफुल टू यंग प्लेट इंडिया जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे ये सब करने के लिए। Thank you.